अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर मोहनगढ़ क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला गर्माता ही जा रहा है। इसमें दो पक्षों के बीच में मारपीट और आगजनी के बाद में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, तो वहीं पुलिस पर यह आरोप है कि घटना के करीब बाद में 200 पुलिस अधिकारी और जवान मृतक युवक के गांव रेहरून पहुंचे और शोक में डूबे परिवारों पर यहां पर हमला कर दिया। यहां तक कि महिलाओं और बुजुर्गों से भी इस दौरान मारपीट की गई। इसको लेकर पीड़ित कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के घर जाकर पहुंचे, जहां पर मंत्री सालेह मोहम्मद पीड़ितों को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास गए और साथ ही में ज्ञापन सौंप कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की। जिला कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक किरण कांग पुलिस पर लगाए गए आरोपों को नकार रही है। मेरे भाई को मारा और फिर रात को पुलिस 2:35 में टोबा ढाणी आई, फिर हमारे गांव में हमारे को पीटा और औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, पूरे गांव में हव मच गया। वो पुलिस ने बहुत नाजायज करी है। क्या मांग? अब हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को नाजायज, क्योंकि एक तो मेरे भाई का मर्डर हो गया और हमारे को भी पीटा। अभी एक दो दिन पहले एक किसी नौयु की वहाँ पर हत्या कर दी गई, उसके बाद में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई तो पूरे समाज के अंदर, लोगों के अंदर रोष था कि जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की, रात को 2 बजे जा करके वहाँ के उनके जो लड़का ख़त्म हुआ है उसके पिता के साथ, उसकी माँ के साथ, उनके तमाम परिवार के लोग जो वहाँ दुख में वहाँ बैठे थे, रात को 2 बजे पुलिस किसी घर पर जाके इस तरह से हमला करना, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं। ऐसे लोग जो पुलिस अधीक्षक खुद जो है रात को पुलिस थाने के अंदर बैठ करके जब गांव वालों को बुला करके, ये बात उनकी तय हो चुकी थी कि हम तो 5 बजे तक हमें टाइम दे दो, 5 बजे के बाद में हम जो भी जो जिन्होंने उनका नुकसान किया है हमारे यदि लोग हम लेके आएंगे, उसके बाद में यदि कोई चीज़ पुलिस करती है तो मैं समझता हूँ ये कहीं का न्याय मेरी इन्फॉर्मेशन में है नहीं। और जो टीम को एडिशनल SP लीड करते हुए गए थे और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये मेरी जानकारी में ऐसा है। बट स्टिल अगर कुछ इस तरीके के फैक्ट्स हमारे सामने रखे जाते हैं तो जांच तो